तो अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ पे आया हूँ फोर्स कन्वर्जन का एजेंडा लेके, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है ना काफ़ी सारे लोग घबराते हैं इस इशू पे बात करने की। उसकी सिंपल वजह ये है कि रिलीजन का मसला है, क्योंकि जहाँ बात रिलीजन की आती है ना वहाँ लोग बात ही नहीं करना चाहते वहाँ लोग। और इसमें तो उल्टा मुसलमान भी डरते हैं कि अगर मुसलमान भी आवाज़ उठाएगा ना तो उसकी भी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन मसला सारा ये है कि कब तक हम बैठेंगे, ठीक है। मैं अपने बाप से कभी कभी ज़िद करता हूँ कि मेरी बहन किधर जाना चाह रही है उसको जाने दो। अगर मैं क्रिश्चियन हूँ और मैं अपनी बहन को चाहता हूँ कि वो सारी चीज़ें इन्जॉय करे जो मतलब दूसरी लड़कियाँ भी इन्जॉय कर रही हैं, तो ये सब करते हुए ना एक अंदर से बहुत बड़ा डर होता है कि यार ये लड़की बाहर जा रही है, मुझे पता है महक कुमारी के साथ क्या हुआ था, मुझे पता है हुमा मसीह के साथ क्या हुआ था। तो मतलब अपनी बहन को सपोर्ट करते हुए भी मुझे डर लगता है कि यार ये बाहर तो जा रही है लेकिन क्या ये सेफ है बाहर। और दूसरा मसला ये कि जब लड़कियां उठा ली जाती है ना तो लोग इसको जस्टिफाई करते हैं इस चीज़ को लेके कि यार वो देखो उस लड़की की वीडियो आई है जिसमें उस लड़की ने कन्फेस किया है कि मैंने अपना रिलीजन चेंज कर दिया। ये जस्टिफिकेशन यूज़ करने वालों से मेरा सिर्फ एक सवाल है कि आप उस बच्चियों की वीडियोज़ देखो यार, वो 14 साल की बच्ची है। अगर 14 साल की बच्ची के मुँह के अल्फाज ये है ना कि अगर आप नहीं रुके तो मैं हाई कोर्ट चली जाऊंगी, मैं इस कोर्ट में अपील करूंगी, मैं उस कोर्ट में अपील करूंगी, 14 साल की बच्ची के ये मुँह के लफ्ज़ हो ही नहीं सकते। साफ पता चल रहा है कि उस बच्ची के मुँह में ये लफ्ज़ डाले गए हैं। और आप उस बच्ची के एक्सप्रेशन देखें जब वो बात कर रही है, ठीक है, साफ पता चल रहा है कि वो बच्ची से ये लफ्ज़ बुलवाए जा रहे हैं, वो बच्ची ने अपने मुँह से नहीं बोले। लेकिन लोग मतलब जहाँ वही बात है ना, जहाँ मज़हब की बात आती है तो वहाँ आगे कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं, क्योंकि सबको डर लगता है भाई। मैं अगर आज बात कर रहा हूँ ना तो मुझे भी डर लगता है, ठीक है, डर है। लेकिन मसला ये है कि क्या डर की वजह से जीना छोड़ते हैं, क्या डर की वजह से मैं अपनी बहन को चार दीवार के बीच में बंद कर दूँ। तो हमारा यही है कि दूसरे का मज़हब नहीं, अपनी सोच बदलो। थैंक यू। थैंक यू। स्टैंडिंग अगेंस्ट द फोर्स कन्वर्जन, जो मोस्टली हमने 2-3 साल में जो है बहुत ज़्यादा इनका तादाद बढ़ गया है, और स्पेशली इंटीरियर सिंध में क्या है कि हमारी हिंदू, स्पेशली हिंदू गर्ल्स, उनकी पॉपुलेशन, हिंदुज़म की पॉपुलेशन भी बढ़ गई, कम हो गई है, बहुत कम हो गई है। उसका रीज़न ये है कि हमें आज तक कभी भी कोर्ट में जाने के बाद कोई भी हकूक हमें नहीं मिले। इवन वी हैव द लॉस, लेकिन 18 से या अंडर एज गर्ल्स की शादी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारी 14 साल की 13 साल की गर्ल्स को भी 18 साल की पेश करके उनकी शादी की जाती है। इवन उनके पास सर्टिफिकेट्स होते हैं लेकिन वो फिर से कोई टेस्ट करवाते हैं और कहते हैं उस टेस्ट के मुताबिक ये इसकी प्यूबर्टी लेवल है और ये शादी इसकी हो सकती है, और वो उससे शादी करवा देते हैं और कभी वापस नहीं हुआ केस उसकी। हमारी मेरी मुताबिक और हमारे सोच के मुताबिक है, बहुत सारे ऐसे रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट रहते हैं विद इन द सिंध, और स्पेशली उर्दू मीडिया वगैरह कवरेज भी नहीं दे रही, तो इसका मकसद ये है कि उसको कोई तो है जो बड़ी अच्छी सपोर्ट दे रहा है कि ये कंटिन्यू होता रहे। एक चीज़ मेरी नज़र से ये है कि आप जितना सप्रेस कर रहे हो माइनॉरिटी को उतना आपके ही मुल्क की इमेज गंदी जाएगी। आपका ही रिलीजन टारगेट एक्चुअली होगा कि टॉलरेंस आप क्यों नहीं कर रहे। तो अपनी सोच बदलो। अगेन मैं यही कहूँगा, किसी का मज़हब नहीं बदलो, किसी की सोच बदलो।